नमस्कार मित्रों, मैं मोहित शुक्ला कानपुर से, और आज मैं आपको एडेनियम पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये देख रहे हैं आप, एडेनियम के प्लांट कितने खूबसूरत लगते हैं। इनके तने देखिए कितने खूबसूरत हैं, और इनको रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। अभी इनका फ्लावरिंग टाइम अभी आया नहीं है, अभी ये सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। एक मेरा एडेनियम का प्लांट है जो आप देख सकते हैं, जैसे ये प्लांट है उसी तरीके से मेरा ये भी प्लांट था, जिसमें ऊपर फंगस लग गया था और मैंने इसका ऑपरेशन किया हुआ है। इसको पूरा मिट्टी से निकालने के बाद में, और इसका जो हिस्सा बहुत ज़्यादा फंगस खा गया था, मैंने उसको काट करके निकाल दिया है। आप देख सकते हैं, तुलनात्मक स्थिति किया जाए तो ये देखिए, ये प्लांट्स हैं एडेनियम के, और ये तना है। मतलब पूरा पूरा इसको एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने कमर से ऊपर का हिस्सा ही काट दिया है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको मैंने काटने के बाद इसको पे फंजीसाइड लगाया है, सरताज, जिसका कि टेक्निकल होता है कार्बेंडाजाइम प्लस मैंकोजेब, और उसको लगाने के बाद मैंने इसको 6-7 दिन के लिए छाया में, जहाँ पर हवा अच्छी पास होती है, ऐसे प्लेस पे रख दिया था। और अब मैं इसको मिट्टी में लगाने वाला हूँ, और लगाने के पश्चात मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, इसका अपडेट ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरा प्लांट बहुत अच्छी तरीके से, एडेनियम का जो मेरा एक पसंदीदा पौधा है, गर्मियों में बिल्कुल केयर नहीं मांगता है और कम पानी में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है, और फ्लावरिंग भी इसकी बहुत ही खूबसूरत होती है। तो इसकी मैं अपडेट आपको बहुत जल्द दूंगा कि इसका क्या हुआ।